आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं एवं वंचित वर्ग पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के रोकथाम, जातिवाद खत्म करने एवं जालौर जिला राजस्थान के 9 वर्षीय छात्र स्वर्गीय इंद्र मेघवाल को न्याय देने के संबंध में आज सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देते हुए बताया गया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में SC ST महिलाएं एवं वंचित वर्ग पर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी राज्य में इस वर्ग पर जातिवाद मानसिकता के लोग अत्याचार करते ही रहते हैं। कहीं बारात में घोड़ी चढ़ने पर, कहीं मजदूरी न करने पर, खाट एवं कुर्सी से न उठने पर, मजदूरी मांगने पर, मूछ रखने पर और मटकी एवं नल का पानी पी लेने या छू देने पर आदि कई प्रकार से घोर यातनाएं देकर इस वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है एवं मौत के घाट उतारा जा रहा है। थानों एवं प्रशासनिक कार्यालय में इन वर्गों की कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि इन्हें अपडेट भगा दिया जाता है। ऐसी घटनाओं से मेरा राज्य मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। यहाँ भी प्रत्येक माह किसी न किसी जिले में इस वर्ग पर जातिवाद मानसिकता के लोग अन्याय अत्याचार करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जालौर जिला राजस्थान के पुलिस थाना रायला के अंतर्गत ग्राम सुराड़ा में बहुत ही हृदय विदारक जातिवाद की घटना छात्र इंद्र मेघवाल के साथ शिक्षक छैल सिंह ने 20 जुलाई 2022 को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा कि छात्र प्यास बुझाने के लिए पानी के घड़े को छू लिया, जिससे जातिवाद शिक्षक इतना आग बबूला हो गया कि छात्र इंद्र मेघवाल को इतनी बुरी तरह से पीटना शुरू किया कि उस छात्र की चीख तक सुनाई ना दी, यहाँ तक विद्यालय के किसी भी शिक्षक को उसके चीख सुनाई ना दी और कोई शिक्षक उस 9 वर्षीय बच्चे के बचाव में नहीं आया, जिससे साफ समझा जाता है कि उस विद्यालय में कितने जातिवाद और निर्दलीय शिक्षक रहे होंगे। इसी घटना को लेकर आज सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। देश में 75वां गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हमारे देश में आज भी जातिवाद है और जातिवाद के कारण हमारे देश में हमारे देश के दलित कब जाति से मुक्ति पाएंगे और हमारे संविधान के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं। ये भारत के मनुवादी लोग विचारधारा के और गहलोत सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और छैल सिंह को फांसी होनी चाहिए। क्या घटना क्या हुई आज आप इस संबंध का विरोध है? छैल सिंह ST SC OBC एंड सर्व समाज के लोग जो हृदय विदारक अमानवीय घटना राजस्थान के जालौर जिला सुराणा गांव में हुई है। एक शिक्षक ने इंद्र मेघवाल नाम के छात्र था, उसने मध्यान्ह भोजन के बाद घड़े में जो टीचर के अलग से घड़ा रखा है और स्टूडेंट के अलग घड़ा रखा, इसका मतलब ये साफ था कि मतलब छूत और अछूत के भेदभाव वहाँ रखा है। छात्र ने घड़े को छू लिया जिसमें सवर्ण जात के लोगों के लिए रखा था, शिक्षक के लिए रखा था, तो छात्र ने सुन तो टीचर इतना बबूला हुआ छैल सिंह कि उस छात्र को इतना मारा कि उसके कान की नसें फट गई, उसकी आँख सूज गई। 21 दिन वो अस्पतालों में भर्ती रहा और 14 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। तो हम सब ये मांग करते हैं कि छात्र के परिजन को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 10 एकड़ भूमि दी जाए एवं पूरे देश में हो रहे अन्याय अत्याचार पर रोकथाम लगाया जाए, कानून बनाया जाए, जन जागरूकता अभियान चलाए, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया गया, देश में घर घर झंडे लहराए गए, फहराए गए राष्ट्रवाद को, इसी तरह जातिवाद को खत्म करने के लिए घर घर जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि देश से असमानता मिट जाए और इंसान इंसान को मानने लगे कि हम सब एक इंसान हैं। ठीक सर, रावेंद्र कुमार साकेत सर।
एससी एसटी सब लोग शामिल मिलके हम लोग जिस तरह 75 साल देश आज़ाद होने के बाद भी आज हम लोग जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, ये बहुत ही पीड़ा होती है। जहां एक और अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, आज ये राजस्थान की घटना झकझोर के रख दिया है और बड़ा हम लोग को पीड़ा हुई। और हम लोग इसलिए आज ये लगभग हमारे ख्याल से रीवा में हम लोगों ने एक जंग जागता अभियान के तहत कि इस तरह भविष्य में घटना ना हो, क्योंकि हमारा देश संविधान चलता है, ना कि जातिवाद से चलता है, ना किसी भेदभाव से चलता है। इन्हीं से हम लोग ये सब लोग ये आंदोलन की एक ज्ञापन दिए हैं कि दोबारा भविष्य में घटना ना हो। और ये हम लोग एकता के तहत एससी एसटी ओबीसी एकता के तहत और ये छूत अछूत का भेदभाव मिटाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। इसी में संदेश देने का प्रयास किया कि हम लोग सब एक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।